चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि आज रात हिलाल पाकिस्तान पर हमारा जलसा पहले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। सबको दावत है कि नमाज तरावी के बाद इस तारीखी जलसे में शरीक हों। मैं हकीकी आजादी के अपने विजन पर रोशनी डालूंगा। कहा कि लाहौर जलसे में अपनी कौम को बताऊंगा कि हम पाकिस्तान को तबाही की इस दलदल से कैसे निकालेंगे। मुजरिमों के इस विरोध ने मुल्क को जिस संगीन सूरत हाल में धकेला है, इन लोगों को जलसे में शिरकत से रोकने के लिए हर तरह की रुकावट डाली। चाहे कुछ भी जलसा लाजमी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीनार पाकिस्तान जलसा गाह का दौरा किया और तमाम इंतजाम का जायजा लिया। महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर रखी है। तहम सूरत हाल जो कुछ भी हो, आज पावर शो जरूर होगा। हमने बारिश का पानी ग्राउंड से बाहर निकालने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। अदालत ने इमरान खान के फोकल पर्सन हसन नियाज़ी की जमानत मंजूर कर ली। कोयटा में हसन नियाज़ी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में पेश किया गया। उनके हमदा वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। दौरान समाअत अदालत इमरान खान के फोकल पर्सन हसन नियाज़ी की 1,00,000 रुपए के मुतलकों की एवज जमानत मंजूर कर ली। बच्चों के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्रर वक्त में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के मामले की जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा कि वज़ीर आज़म इलेक्शन कराने के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी करें। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतल्लिका इंतजामी हुकाम को इंसानी हकूक की पामाली से बास रहने की हिदायत की जाए। सूबाईदार हुकूमत लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। नशेली इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर में गरुड़बर्ग झेल रोड और एप्पर रोड के इतराफ में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 89 मस्बत टेस्ट सामने आ गए। कौमी इदारे बलाए सेहत के मुताबिक कोरोना के 2,530 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक। फ्लश वाले मकामात अस्पतालों और दीगर हेल्थ केयर सेंटर्स में भी मास्क का इस्तेमाल लाजिम किया जाए। NCUC ने हिदायत जारी कर दी। और 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का 93 रन का हदफ अफगान टीम ने 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैच में कौमी टीम के कप्तान सदाब खान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम की जानिब से T20 में डेब्यू करने वाले साइम अयूब ने मोहम्मद हारिस के साथ इनिंग्स का आगाज किया। तहम सतना के मजमू स्कोर पर हारिस 6 रन बनाकर आउट हो गए।